माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और वास्तविक तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष आने चाहिए। महिला और बाल सुरक्षा और खासतौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वह केवल बाहर से ही नहीं होते हैं, इसके दोनों तरीके हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, और इसलिए इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं वह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बहुत आवश्यक है। अगर मैं महिला संबंधी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूं तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालक जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पॉक्सो अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है इसको हम लोगों ने 2018 में ही, इसलिए सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पर काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिकों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे वर्षों से पेंडिंग थे, उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है।
महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर एक स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए, जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा वहीं उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है और हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया, लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े भी कोई मुद्दे होंगे इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे, लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सौहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था, और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग
उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या दो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है, घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि एक महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्के पन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था,
कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अंदर नंबर एक पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्य